नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोनगर कोतवाली इस समय मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले चाकू की बाजी का मामला दमो के अम्बेडकर चौक से सामने आया था, तो वहीं आज एक बड़ी घटना सामने आई दमो के सिविल वार्ड नंबर 9 से, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं एक और बड़ा मामला सामने तब आ गया जब दिन दहाड़े एक स्कूटी से 80,000 रुपये की चोरी हो गई है। जी हाँ, यह संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत बजरिया वार्ड नंबर 6 में रहने वाले एक लोधी परिवार इस घटना का शिकार हुआ है, जो इलाज के लिए पैसे निकलवा कर लाया था। बैंक SBI से ये पैसा निकाला गया था। इसके बाद जब वह घर जा रहा था, बीच रास्ते में ही चोरों ने अपने हाथ का कमाल दिखाया। सुल्तानी मोहल्ले में चोरी हो गई। जब युवक घर पहुंचा तब उसके द्वारा देखा गया कि पैसे चोरी हो गए हैं। जब वापस सुल्तानी मोहल्ला आया, जहाँ पर उसने देखा कि स्कूटी से पैसे निकाल कर कुछ युवक भागे हैं, उसके द्वारा अपने पिता को भी जानकारी दी गई। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात हुई है। ऐसे में नगर कोतवाली अंतर्गत किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, किसी से छुपा नहीं है। दो में जिस तरह से क्राइम हो रहा है, उसे देख कर लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पीड़ित परिवार से हमने चर्चा की तो उसके द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी गई। क्या हुआ है आपके साथ और आप कोतवाली क्यों आए? सर, हमारे साथ 80,000 की चोरी हुई है जी। हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए हैं। हमारे पापा और छोटे भाई SBI बैंक से पैसे निकाल के आए थे 80,000 रुपये दवाई के लिए। तो वो सीधे आए कहाँ से, मतलब बस स्टैंड SBI बैंक से आएंगे मछली मार्केट में आए। वो लोग कहने लगे, पापा बोलने लगे कि जा भैया पैसे घर पे रखे आना। तो हमने कहा ठीक है जी। और हम सीधे गए अपने कहाँ पे, दादी के इधर खाना के लिए, खाने के डिब्बे लेने के लिए, कि वहाँ से हम सीधे घर पे जाते हैं नहा धोने खाने के लिए। तो हमने वहाँ पे 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी की। वहाँ से हम सीधे कहाँ पे, घर पे पहुँचे। हमने चेक किया, वहाँ पे पैसे नहीं थे। हमने पापा को कॉल किया, पापा बोलने लगे सीधे मार्केट आओ तुम। हम मार्केट गए, डिक्की अच्छे से चेक की पूरी गाड़ी, उसमें पैसे नहीं थे। फिर हम लोग वापस संताली मोहल्ला गए 3 लोग। तो वहाँ पे हम लोगों ने CCTV कैमरा चेक करवाया पप्पू किराने दुकान पे से। सो वहाँ पे 4 व्यक्ति आए थे 2 गाड़ियों के साथ। सो 2 गाड़ी, मतलब 2 लोग आए, उनने डिक्की के में से एक डिक्की भी ऐसे पटा रहा था और दूसरे ने हाथ डाल के पूरे पैसे निकाल लिए और वो लोग भाग गए। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह लोधी। तो पुलिस में FIR दर्ज की? दर्ज हो रहा है सर। क्या आश्वासन दिया इन लोगों ने? सर वो कर रहे हैं। आपका नाम पूरा? दीपक सिंह लोधी। पता बजरिया वार्ड नंबर 6 मंगल भवन के पास। इस संबंध में हमने दमोनगर कोतवाली TI आनंद सिंह से चर्चा की, तो उनके द्वारा घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया। सर, सुल्तानी मोहल्ला से स्कूटी से 80,000 रुपए चोरी होने की घटना सामने आ रही है, क्या मामला जी? अभी दोपहर में दीपक पिता गुलाब सिंह लोधी, जो कि बजरिया 6 नंबर वार्ड दमो के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट लेकर कराई गई है कि आज उनके द्वारा बैंक से अपने निजी कार्य से 80,000 रुपये निकाले गए थे और वो पैसे उन्होंने अपनी स्कूटी में रखे थे। स्कूटी में रखे पैसे सहित वह स्कूटी उनके पुत्र के द्वारा घर ले जाई गई थी और घर के बाहर ही उनके द्वारा स्कूटी खड़ी करी गई, पैसे उसमें से नहीं निकाल पाए थे। इसी दरमियान 2 लोगों के द्वारा उनकी स्कूटी की जो डिक्की जिसमें पैसे रखे हुए थे उसे फोर्सली तोड़कर उसमें से पैसे वो 80,000 रुपये चुरा लिए गए। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग दिखाई, अन्य 2 लोग भी पीछे दिखाई दे रहे हैं जिसकी गलती की जा रही है और अपराध अभी पंजीबद्ध कर लिया गया है। उपलब्ध CCTV फुटेज और उनके आधार पर मालूम लीजिए कि पता इसकी प्रयास की। किन किन धाराओं में मुकदमा कायम किया गया? दमोह शहर में सनसनीखेज वारदातें हो रही हैं और पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही। अब दिन दहाड़े चोरी की वारदात भी सामने आ गई। देखने लायक होगा जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर वरिष्ठ अधिकारी कब तक ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष कदम उठाते हैं।
जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, तो देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।